शक्ति और भक्ति का पर्व शारदीय नवरात्र आज से है। घर घर घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। 9 दिन अब घरों मंदिरों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। पहले दिन माँ भगवती के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होगी। देश प्रदेश में गांव गली मोहल्ले में आज माता रानी के दरबार सज रहे हैं। आमेर से शिला माता मंदिर की बात करें तो 11:55 के करीब यहां घट स्थापना होगी। घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त मध्यान्ह में 11:50 से 12:30 यानी 12:36 तक है। नवरात्र स्थापना के साथ ही देवी धामों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। जोधपुर में चामुंडा माता, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, पल्लू में ब्रह्माणी माता, करौली में कैला मैया, देशनोक में करणी माता, जैसलमेर में तनोट माता, तो राजधानी जयपुर के चंबा रामगढ़ में जम्बाई माता, जोबनेर में ज्वाला माता, उदयपुर वाटी में शाकंभरी माता, बाड़मेर में नागणेचा माता, विरात्रा माता, नागौर में भुवाल माता, गोठ मांगलोद में ददीमती माता, सीकर में जीर्ण माता, जालोर में सुधा माता समेत देवी धामों पर आज से मेले का माहौल रहने वाला है। वैसे तो कहते हैं कि माता तो बस एक ही है, ये रूप उनकी अलग अलग है और ये लोग भक्त के रूप में आज नजर आएंगे अपने अपने इलाके में, अपने अपने रहने वाली जगह में माताओं को अलग नाम से अलग रूप में पूजते हैं। लेकिन माता किसी को भी निराश नहीं करती। सच्चे मन से भक्त जो यहाँ पहुँचता है, खासकर नवरात्रों में अपनी मुराद लेकर, माता हर किसी की मुराद पूरी करती है और आज से मेले सा माहौल 9 दिन रहने वाला है। तो नवरात्र के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। नवरात्र के पहले दिन घर घर मंदिरों में घट स्थापना हो रही है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। माँ शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त माता को अलग अलग पकवानों का भोग लगाते हैं। भक्त माता की स्थापना कर फूल माता फूल माला जो होती है अक्षत होती है, सिंदूर धूप गंध पुष्प फल और मेवा चढ़ाते हैं। भक्त घी का दीपक जलाकर माता के मंत्रों का जप और आरती करते हैं। कुछ लोग उपवास रखकर माता की भक्ति करते हैं और घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। देश के हर एक कोने से बस यही तस्वीर नजर आ रही है, चाहे वो आमेर का शिला माता मंदिर हो, ये जम्बा रामगढ़ का जम्बाई माता मंदिर या फिर सीकर का जीर्ण माता मंदिर, हर जगह घट स्थापना। हालांकि अगर हम मुहूर्त की बात करें तो 11:00 से शुरू हो रहा है और 12:36 तक चलेगा। ये दिन बेहद शुभ है। हर एक जगह अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मंदिर की स्थापना हो रखी है और वहीं पर ही आज माँ का एक रूप जिसकी पूजा की जाती है नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की, आज उसी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो काफी संख्या में भीड़ जुटती है मंदिरों में, भक्त पहुंचते हैं और मेले सा माहौल हो जाता है। तो नवरात्र के पहले दिन आमेर स्थित शिला माता मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान यहां का जायजा लिया हमारी सहयोगी जयति मिश्रा ने। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं क्योंकि आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मैं जयति मिश्रा और इस वक्त राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध, जिसे आप कह सकते हैं राजधानी जयपुर के आमेर में स्थित शिला माता के मंदिर से तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, खास बात यह क्योंकि माता के दर्शनों के लिए हम जब पहुँचते हैं और छोटी छोटी कन्याओं का जब दर्शन हो जाते हैं, उनका दीदार हो जाता है, तो अपने आप में माँ का वो स्वरूप है हमारे साथ में मौजूद है। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? रूही। रूही, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? माता के दर्शन करने। क्या होता है माता के दर्शन करने से? प्रार्थना होती है। क्या होती है? प्रार्थना। प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना कर ली आपने? क्या बोला, क्या चीज, क्या विश के लिए बोला माता को आपने? कि माता मेरे पापा को दारू, मेरे पापा के दारू छुटवा दे नाम से। आम दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो झांकियां हैं वो अंदर रखी गई है माता के दर्शन के लिए, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखें यहाँ पर लोग माता की चुनरी और पूरी जो पूजा की सामग्री है उसको सजाकर बैठे हैं, से बातचीत करते हैं। आज नवरात्र की शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको फर्स्ट इंडिया के जरिए, लेकिन शुरुआत हो गई है इस शक्ति के, 9 दिन अब शुरू हो चुके हैं, किस तरह का इस बार उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है और कितनी खूबसूरत तैयारियां आपने माता की चुनरी के जरिए की है वो दिख रही है, लेकिन क्या कहना चाहिए? मैं माता जी के अभी दर्शन 12:00-1:00 मंदिर खुलेगा, घट स्थापना है,
तो कल से वही 6 बजे खुल जाएगा। पांचवे छठे नवरात्रों से यहाँ पर भीड़ पड़ना फुल स्टार्ट हो जाएगी। 5-6 दिन मचक की भीड़ रहेगी, अभी 1-2 दिन थोड़ा सा कम रहेगा माहौल। देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों का उत्साह। पुलिस ने भी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं संभाले हुए, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि इतने सारे जब लोग पहुँचते हैं आप समझ सकते हैं कि लोगों को नियंत्रित करना, किसी की भावनाएं भी आहत ना हो, इनसे पूछते हैं। सर बहुत बड़ी चुनौती होती है जब इतनी सारी संख्या में लोग पहुँचते हैं और अभी तो पहुँचने की शुरुआत हुई है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसे रहेगी कि लोगों को परेशानी भी ना हो, उनको भी ना लगे कि हम दर्शन करने दूर से आए हमें दर्शन नहीं करने दे रहे, और आपकी व्यवस्थाएं भी बनी। मैडम व्यवस्था तो आमेर महल की हमेशा से अच्छी रही है और आगे भी अच्छी रहेगी। आज मंदिर भी थोड़ा लेट खुलेगा, 11:55 पे घट स्थापना है और व्यवस्था बिल्कुल माकूल रहेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, चाहे मेडिकल की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, या मंदिर प्रशासन की हो, या बाहर की भंडारे की हो। सबसे बड़ी खास बात है कि जयपुर का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो जयपुर का दिल, जयपुर का परकोटा कहा जाता है, जयपुर के रियासत काल से ये परंपरा चली आ रही है। जयपुर के संस्थापक जब इस मंदिर के अंदर पहुंचते थे और जब इस मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना किया करते थे, ठीक वैसा ही आज कुछ ना कुछ हर साल जब चैत्र में नवरात्रे होते हैं, शारदीय नवरात्रे होते हैं, दो अलग नवरात्र जो गुप्त नवरात्रे कहे जाते हैं तब होते हैं। लगातार फसंजा के जरिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन शक्ति की साधना का दिन है तो शक्ति की साधना करते रहिए और कहिए जय माता दी। मैं कैमरामैन राकेश के साथ जयति मिश्रा, फसंजा न्यूज़, जयपुर। वैसे तो पूरे देश भर में माता के जयकारों की गूंज है, हर जगह सिर्फ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे, लेकिन जैसलमेर का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी शक्ति पीठों पर घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रे का शुभारंभ हो चुका है। शहरी क्षेत्र में होमगार्ड से देवी मंदिर में सुबह से पैदल श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसकी पूजा अर्चना का जिम्मा बॉर्डर और अर्बन होमगार्ड के जिम्मे है। इस जगदम्बा माता मंदिर का नाम होमगार्ड देवी के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता सूर्यवीर सिंह तंवर ने मंदिर का जायजा लिया। आज से शारदीय नवरात्रा का आगाज चुका है और शारदीय नवरात्रा के साथ साथ हर घर में आज घट स्थापना होगी। आज सुबह ही देवी मां के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और जैसलमेर प्रत्येक शक्ति पीठों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह से ही भक्त हैं वो देवी मां के मंदिर में पहुंच रहे हैं और हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के होमगार्ड स्थित देवी मां के मंदिर में। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से आज सुबह से ही है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों की भीड़ है वो काफी देखी जा सकती है, मंदिर परिसर में है और लगातार जिस तरीके से महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, आज दर्शन लाभ लेने के लिए है वो पहुंचे हैं और भगवान देवी माँ का है वो जिस तरीके से दर्शन है वो लाभ ले रहे हैं। लगातार लोगों में उत्साह है आज नवरात्रा को लेकर दिखाई दे रहा है क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार था कि कब नवरात्रा हो और हर घर में है वो घट स्थापना है वो की जाए। महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई इस मंदिर परिसर में है वो पहुंच रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से भी है वो बात करने की हम कोशिश करेंगे। आज नवरात्रा की स्थापना हुई है तो किस तरीके से आज कामना करने हैं मंदिर परिसर पहुंच। इस मंदिर परिसर में पिछले 25 सालों से मैं सपरिवार आता रहा हूं और इस मंदिर परिसर की अलग ही गरिमा है, अलग ही वातावरण है। इस मंदिर परिसर में आप जो ये यहाँ की सुबह सुबह की भीड़ देख रहे हैं, सभी लोग नवरात्रि के इस पावन पर्व पे नव वर्ष की कामना करते हुए कि हमारे जो काम अधूरे रह गए वो सभी हम माँ की कृपा से पूरा कर सके। अल सुबह से ही ये भक्तों का वो तांता लगा हुआ है और लोग श्रद्धालु लगातार है जिस तरीके से तमाम शक्ति पीठों पर है वो पहुंच रहे हैं, चाहे तनोट माता का मंदिर हो, घंटियाली माता का मंदिर हो, तेमड़े राय का मंदिर हो, नवडूगर का मंदिर हो, हर मंदिर में अल सुबह से ही है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त श्रद्धालु लगातार है वो है वो पहुंच रहे हैं। कितनी आस्था इस मंदिर की है, कितनी और कितना प्राचीन है मंदिर है और किस तरीके से श्रद्धालु इस पर आते हैं। ये तो काफी 30 साल से पुराना है और सिटी का अच्छा इसमें आस्था है लोगों की, सुबह सुबह नौपा में भीड़ होती है। कहीं ना कहीं लोग है वो कई पैदल यात्रु भी है वो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों की इस नवरात्रा पर्व को लेकर भारी आस्था है वो देखी जा सकती है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर। तो वहीं शारदीय नवरात्र पर जोधपुर में भी माता मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। मेहरानगढ़ स्थित प्राचीन मां चामुंडा मंदिर में सुव्यवस्थित दर्शनों के लिए पुलिस प्रशासन, मेहरानगढ़ ट्रस्ट और अन्य एजेंसियां सतर्क है। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता के दर्शन नवरात्र के दौरान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किए जा सकेंगे। इस दौरान शराब साथ लाना, पी कर आना, डीजे साउंड सिस्टम के साथ श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने यहां का जायजा लिया। शारदीय नवरात्रा का पहला दिन माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए
दूर दराज क्षेत्रों से 550 साल पुराने किले में स्थित माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं सहयोगी भवानी सिंह जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें श्रद्धा भी नजर आ रही है, आस्था भी नजर आ रही है, माता रानी के प्रति जो स्नेह है वो भी नजर आ रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से चाहे देखिए कतारें जितनी लंबी है अंदाजा लगाया जा सकता है कि माँ चामुंडा के प्रति किस तरह के भाव हैं। पूरे मारवाड़ के अंदर अगर बात करें तो माँ चामुंडा का अलग ही पुण्य प्रताप है। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद में सब कुछ जो दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है माता रानी को सौंप देते हैं और अपने आप माता रानी उनका हल निकालती है। और यही भरोसा है कि एक साल बाद इंतजार करने के बाद में जब ये शारदीय नवरात्रे आते हैं तब भरोसे के साथ में माता के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और देखिए मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं जगत सिंह राठौड़ उनके नेतृत्व में तमाम यह व्यवस्था की गई है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और DCP अमृता दूर अपने स्तर पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। 9 दिनों तक इसी प्रकार की व्यवस्था रहने वाली है। पूर्व महाराजा गत सिंह और पूर्व महारानी हेमलता राजे जो हैं वो भी लगातार इसको लेकर के पूरा मॉनिटर करें। जो यहाँ पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग हैं उनकी अगर आस्था की बात करें तो वो लगातार जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हर किसी को दर्शन हो जाए। और देखिए सहयोगी भवानी सिंह दूर तक जो तस्वीरें दिखा रहे हैं और कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से माता रानी कैसे शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है, कैसे देखते हैं? बहुत महत्व है शारदीय नवरात्र का, तो मतलब माता रानी आता है 9 दिन तक बहुत एंजॉय करेंगे हम तो। 9 दिन करने वाले कैसे देखते हैं माँ चामुंडा के दर्शन करने आए, किस तरह की भावनाएं लेके आए? बहुत अच्छी भावना लेके आए, मन की मुराद पूरी हो जाए। देख सकते हैं मन की मुराद जो है वो पूरी करने के लिए यहाँ पर जब पहुँचते हैं। और देखिए जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो है लगातार जो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और ऐसे में तमाम जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। जो वन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन वागड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी में सुबह 4 बजे से भक्तों के आने का क्रम शुरू हो गया। प्रातःकालीन आरती में हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। रात्रिकालीन गरबा का आयोजन किया जाएगा, वहीं 9 दिन तक मेला रहेगा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन के लिए राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश व अन्य स्थानों से पैदल व अन्य साधनों से लोग यहाँ आते हैं। तो देश भर में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। बाड़मेर के गढ़ मंदिर में भी सुबह 4 बजे से मां के भक्तों का आना शुरू हो गया है। इस दौरान भक्त करीब 4 किलोमीटर तक लंबी कतार में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते नजर आए। पुलिस प्रशासन की ओर से भी माकूल व्यवस्थाएं की गई। दूसरी ओर शाम से कई जगहों पर गरबा महोत्सव भी देखने को मिलेंगे। तो बाड़मेर में भी इस प्राचीन मंदिर में कतार में दर्शनों का इंतजार भक्त करते हुए नजर आए। माता की जयकार के साथ भक्त भक्ति में लीन नजर आए। कहीं तो हवन कुंड में पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आए, तो कोई भक्ति में लीन भजन गुनगुनाता नजर आया। घट स्थापना की जा रही है आज हर एक घर में प्राचीन मंदिरों में, और साथ ही आज सुबह तो मंदिरों में घट स्थापना, पूजा अर्चना और शाम होते होते गरबा डांडिये की धूम भी हर जगह नजर आएगी। तो भक्ति और शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र आज से हो चुके हैं शुरू। अजमेर का रुख करें तो माता के मंदिरों पर भी यहाँ भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। चामुंडा माता मंदिर पर सुबह से उमड़ा भक्तों का सैलाब, ऊंची पहाड़ी की तलहटी में विराजमान है माँ चामुंडा, लेकिन भक्त जो है किसी न किसी तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं माता को मनाने के लिए, अपनी भक्ति में लील नजर आ रहे हैं ये भक्त। तो आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। ये माँ चामुंडा का मंदिर जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन फिर भी भक्त जो है यहाँ पहुँचते हैं, माता के दरबार में धूप लगाते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से यहाँ पर जो मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूरी भी होती हैं।